दादी से अभी बात करा रहे हैं आप लोगों की। दादी बताइए भैया, तुमसे नमस्ते जय बिटिया। हमारे बहुत दूर से आए हमसे मिले के लिए, बहुत धन्यवाद है। और इनका फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, आगे बढ़ाओ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि मैं आज यहाँ आई हूँ दादी और बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे निकली थी, खोजते खोजते मुझे अब घर मिला है दादी और बाबा का। वो भी लखीमपुर में है। गांव का नाम बाबा क्या है? गुगावा। गुगावा मतलब नाम से है गांव। और क्योंकि दादी बाबा बहुत फेमस चल रहे हैं इस समय, आप लोग देखे होंगे। चैनल का नाम क्या है बाबा? नंदलाल लखीमपुर। आप लोग सर्च मारिए, मार के देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि नंदलाल लखीमपुर के नाम से फेमस हो चुके हैं। 60 वीडियो में आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। तो इन बाबा का आप लोग फुल सपोर्ट करिए फ्रेंड, दादी और बाबा का फुल सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड, आप वीडियो पे बने रहिए। अभी आप लोगों को मैं दादी और बाबा का घर दिखाती हूँ, बाबा कहाँ पे रहते हैं। आप बने रहिए फ्रेंड, आप वीडियो पे हमारे। देखिए फ्रेंड, ये है क्योंकि दादी यहाँ पे खाना बनता है। हाँ, ये बनाई था। ये यहाँ पे दादी खाना बनाती हैं। देखिए फ्रेंड, ये इधर चूल्हा रखा हुआ है, ये यहाँ पे दादी खाना बनाती हैं। तो इधर दादी लेटती है, आप कहाँ हैं? उसमें इसमें लेटती हैं दादी। अभी आप लोग जी, इसमें दादी लेटती हैं, आप लोग देख रहे होंगे दादी यहाँ पे लेटती हैं। तो फ्रेंड, आप लोग जितना हो सके उतना फुल सपोर्ट करिए दादी का। और इधर नल लगा हुआ है, अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इधर नल लगा हुआ है और ये आप लोग देख रहे होंगे भाभी हैं, मतलब इनकी बड़ी बहू, बाबा की बड़ी बहू है। और ये नल लगा हुआ है, यहीं से पानी उनी मतलब यहीं से पानी लेती हैं, खाना बनाती हैं। और इधर देखिए, यहाँ पे भी रहती हैं। क्योंकि फ्रेंड, आप लोग फुल सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना फुल सपोर्ट करिए। और दादी हमारी बेचारी बहुत मेहनत करती हैं। इसमें देखिए, वो गेहूँ लगे हुए हैं, गेहूँ काट के आई हैं दादी। इतनी धूप में गेहूँ काटती हैं, सारा कुछ करती हैं। तो फ्रेंड, आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए दादी और बाबा को, कस के वायरल करिए फ्रेंड। तो अभी देखिए फ्रेंड, गेहूँ ये इतने काट के लाई हैं दादी। आप लोग 60 वीडियो में देखे होंगे दादी का जो गेहूं काट के 60 वीडियो डाली हैं। तो यही गेहूं काटने गई थी फ्रेंड, दादी वहां पे गेहूं काट रही थी। जो 60 वीडियो आप लोग देखे होंगे, गेहूं काट रही थी, यही गेहूं थे। तो फ्रेंड, इतने में आप दादी गुजारा करेंगी। तो फ्रेंड, आप लोग फुल सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं अब दादी के घर से जा रही हूँ। ये इधर दादी रही और दादी का आप लोग फेस देखे होंगे, यही दादी हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं फ्रेंड। और इधर ये भाभी बैठी हुई हैं और दीदी अंदर है, तो हम लोग निकल रहे हैं। दीदी चलो। हाँ, तो देखिए फ्रेंड, ये दीदी हैं, यही चैनल देख रही हैं दादी का पूरा चैनल, मतलब यही दीदी देख रही हैं, यही चला रही हैं दीदी चैनल पूरा देख रही हैं। तो फ्रेंड, दीदी लोग हम सब लोग दादी हाँ, तो हम कभी इनके घर पे जाएंगे भाई, सपोर्ट करते रहना, मेरी भाभी को जरूर सपोर्ट करते रहना आप। तो मैं आपसे लोगों से यही कहूँगी, हाँ जोड़ के एक उम्मीद करके वीडियो बनाती हैं यूट्यूब पे, जो है काम करती हैं, इनको सपोर्ट जरूर ज्यादा से ज्यादा करना, लाइक करना, कमेंट करना। क्योंकि फ्रेंड, दीदी के कहने से फुल सपोर्ट करना दीदी। और कभी दादी को अपने घर पे हम बुलाएंगे, ज्यादा दूर तो है नहीं हमारे लोगों की, वही 35 किलोमीटर की दूरी है, 35-40 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं आऊंगी। चलो भाभी, भाभी भी बैठी है, तो हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड। देखिए धूप बहुत ज्यादा हो गई। हाँ आई भाभी, नमस्ते। लखीमपुर आया फिर कभी? हाँ लखीमपुर आए हुए, मिली आपकी तो कोई दिक्कत हो तुरंत बतायो। तो दादी हाँ और भाभी हम लोगों को छोड़ने के लिए आई हैं। तो फ्रेंड, अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, बाय।